हेलो स्टूडेंट्स, हम अपने इस वीडियो में लेसन सेकंड क्लास सेवन से रिलेटेड सिविक्स का इक्वलिटी डिस्कस करेंगे। लेसन सेकंड क्लास सेवन्थ एसएसटी सिविक्स से रिलेटेड इक्वलिटी। सबसे पहले हम लेसन के स्टार्टिंग में लेसन के हेडिंग को डिस्क्राइब करते हैं। इक्वलिटी मींस होता क्या है। सबसे फर्स्ट पॉइंट है हमारा इक्वलिटी। इक्वलिटी का मतलब होता है कि जो सोसाइटी है, सोसाइटी में जो बैकवर्ड क्लासेस होते हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस होते हैं, उनके साथ कोई भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना हो। डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने का मतलब है सभी को इक्वल बिहेव किया जाए। जब सोसाइटी में डिप्राइव क्लासेस होते हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस होते हैं, उन सारे क्लासेस को इक्वली रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो उसे ही हम इक्वलिटी कहते हैं। अब हम अपने लेसन के स्टार्टिंग में आ जाते हैं। इस लेसन में जो मेन मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिस बेस पे इक्वलिटी लेसन बेस है, उस लेसन के पॉइंट्स को हम मेन मेन पॉइंट्स को डिस्क्राइब करेंगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट है हमारा, इक्वलिटी इज़ द सेंटर फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का सेंटर फीचर होता है इक्वलिटी। डेमोक्रेसी का मीन्स क्या होता है? डेमोक्रेसी का मीन्स होता है राइट टू वोट, सभी पर्संस को इक्वल वोट देना। तो इक्वलिटी उसका बेस होता है। इक्वलिटी इज़ द सेंटर फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मीन्स होता है सभी पर्संस को इक्वली वोट का राइट होना और सभी पर्संस को गवर्नमेंट फॉर्मेशन में इक्वली पार्टिसिपेशन करना। इसलिए इक्वलिटी को सेंटर फीचर का है डेमोक्रेसी का। फिर अब हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। डेमोक्रेसी इज दैट इन्फ्लुएंस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इट्स फंक्शंस एंड हेल्प इज इन स्मूथिंग फंक्शंस ऑफ ए डेमोक्रेटिक प्रोग्राम। इट मीन्स अगर हमें हमारी कंट्री में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को के फंक्शंस को चलाना है, स्टार्ट करना है, तो हमें हमारी कंट्री के जो सभी पर्सन से उन्हें इक्वलिटी मिलनी चाहिए। इक्वलिटी मिलने का मतलब है विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। फिर हमारा आ जाता है, ब्रिटेन इज़ कंसीडर एज द मदर ऑफ द मॉडर्न डेमोक्रेसी। ब्रिटेन एक ऐसी कंट्री है जिसे मदर ऑफ द मॉडर्न डेमोक्रेसी कहा गया है। ब्रिटेन को मदर ऑफ द मॉडर्न डेमोक्रेसी कहा है। इट मीन सबसे पहले इक्वली राइट का, इक्वली वोटिंग का राइट सबसे पहले ब्रिटेन में ही पर्संस को दिया गया था। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, सबसे पहले इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री, इक्वल राइट टू वोट। हमारी कंट्री है, हमारी कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, उसमें सभी पर्संस को इक्वल राइट मिले हैं। इक्वल राइट किस तरीके के मिले हैं? वोटिंग के इक्वल राइट्स मिले हैं। अब हमारा आ जाता है, इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया, एग्जाम्पल ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्री इंडिया, इसमें जो सभी पर्संस होते हैं अबव 18 ईयर्स, उन सभी पर्सन को वोट डालने का राइट होता है। हमारे इंडिया में डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में जो सभी पर्संस होते हैं 18 ईयर्स अब हो, उन्हें वोटिंग का राइट होता है। अब हमारा इसी में पॉइंट आ जाता है, डेमोक्रेस हैव बीन गिवन टू राइट टू वोट एंड इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर रेस, कास्ट, क्रीड, एजुकेशन, एंड दिस इज कॉल्ड द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। सबसे पहले डेमोक्रेसी का बेस ही है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल इट मीन्स है होल वर्ल्ड, होल इंडिया, ठीक है। और इट मीन्स एडल्ट, इट मीन्स है अबव 18 ईयर्स, और फ्रेंचाइजी का मतलब होता है राइट टू वोट अबव 18 ईयर्स। इट मीन्स यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, उन सभी पर्संस को इक्वल वोटिंग का राइट है जो अबव 18 ईयर्स है। ये हमारा डिस्क्रिप्शन हो गया यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है राइट टू वोट, द नोशन वन मैन एंड वन वोट। हमारी जो कंट्री है, जो अबव 18 ईयर्स है, उन सभी पर्सन को, एक पर्सन को एक वोट डालने का राइट है। दिस ईच सिटीजन शेयर्स टू इक्वल स्टेटस ऑफ ईच ऑफ देम हैज़ ए वोटिंग राइट। सभी पर्सन्स को इक्वल वोट डालने का राइट है। अब हम इसका नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है इसमें, अदर काइंड्स ऑफ इनइक्वलिटी। अदर काइंड्स ऑफ इनइक्वलिटी में सबसे पहले हमारा आ जाता है, जैसे इनइक्वलिटी है, इनइक्वलिटी में अदर काइंड्स हैं, बहुत सारे काइंड्स हैं। कैसे हैं इनइक्वलिटी में काइंड्स हैं? जैसे मान लो कि हमें, जैसे हम कहीं भी जाते हैं, ठीक है, हम अदर बैकवर्ड क्लास हैं, बैकवर्ड क्लासेस हैं, या फिर दूसरी कास्ट हैं, ठीक है, हमारे साथ मिसबिहेव किया जाता है, तो ये सभी क्या हो गए? काइंड्स ऑफ द अदर काइंड्स ऑफ इनइक्वलिटी, अदर काइंड्स ऑफ इनइक्वलिटी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है इसी में ही,
देयर आर अदर फॉर्म्स ऑफ इनइक्वलिटी टू इन द विच द लोअर कास्ट दलित आर डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट पीपल आर ऑल्सो ट्रीटेड अनइक्वल एंड अनइक्वल बिहेव। इसमें है सिंपल सी बात है, जो अदर काइंड्स ऑफ इनइक्वलिटी है, अदर काइंड्स ऑफ इनइक्वलिटी में मतलब है जो हमारे दलित क्लास होते हैं, जो पुअरेस्ट पीपल्स होते हैं, जो बैकवर्ड क्लासेस होते हैं, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। जो हमारी दलित कास्ट होती है, दलित कास्ट के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है और गलत बिहेव किया जाता है, इट मीन्स अनइक्वल बिहेव किया जाता है, उसे ही हम कहते हैं इनइक्वलिटी। इनइक्वलिटी मतलब यही अदर फॉर्म्स है इनइक्वलिटी का। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, इसी में अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं टॉपिक कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता क्या है। स्टूडेंट्स, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है, सबसे पहले हमें डिस्क्रिमिनेशन और कास्ट को अलग अलग करके आइडेंटिफाई करना होगा। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव, और कास्ट का मतलब होता है जैसे कि मान लो कि हमारा अलग रिलीजन है, अलग कास्ट है, अलग लैंग्वेज है, उन सभी लैंग्वेज के बेस पे अगर हमारे साथ मिसबिहेव होता है, हमारे साथ भेदभाव होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो उसे ही हम क्या कहेंगे, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन कहेंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर इक्वलिटी ऑफ द इंडियन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट क्रीड रिलीजन बिलीफ एंड जेंडर एंड द रिलीजन। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कास्ट को क्रीड बेस पे, रिलीजन बेस पे, बिलीफ बेस पे, जेंडर बेस पे अलग अलग तरीके का रिजर्वेशन दिया गया है। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हुआ हो रहा है इंडिया में, उस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के साथ प्रोटेक्शन दिया है। अब हमारा आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट है, अब है एग्जाम्पल ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। अलग अलग कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के एग्जाम्पल हैं, जैसे इट मीन्स मान लो एग्जाम्पल है, मैं एक सीरियल देख रही थी, उस सीरियल में क्या था कि जो स्टूडेंट था वो बहुत पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट था, लेकिन पढ़ने में इंटेलिजेंट होने के साथ साथ उसके पास वो अदर बैकवर्ड क्लास था। अदर बैकवर्ड क्लास के कारण जो उसका जो टीचर था, जो प्रिंसिपल था, या फिर जो भी टीचर था जो उसे फिजिक्स स्टडी कराता था, केमिस्ट्री कराता था, या कोई दूसरा सब्जेक्ट मुझे याद नहीं आ रहा वो स्टडी कराता था, तो उसके हमेशा वो पूरा सब कुछ लिखता था, लेकिन सब कुछ लिखने के बाद भी उसके मार्क्स कम आते थे। तो इस बेस पे उससे लगा उस लगातार टीचर के साथ कॉन्टैक्ट में रहा कि आप मुझे ऐसा मिसबिहेव क्यों कर रहे हैं। तो फिर बाद में जब उसने कोई गलत स्टेप उठा लिया, उस गलत स्टेप उठाने के बाद सभी लोगों ने, जो पुलिस थी, जो भी सभी लोग थे, उन्होंने ये आइडेंटिफाई किया कि वो टीचर उसके साथ मिसबिहेव कर रहा है, उस स्टूडेंट के साथ। क्यों? क्योंकि वो छोटी कास्ट का है। इट मीन्स अलग अलग एग्जाम्पल हम दे सकते हैं हमारी सोसाइटी में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के। सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल है, ड्यूरिंग प्राइमरी एजुकेशन आई वॉज वेरी गुड इन माई स्टडी। ये एक स्टूडेंट कह रहा है कि जब मैं प्राइमरी एजुकेशन में था तो मैं स्टडी में बहुत अच्छा था। द हेडमास्टर हु बिलोंग टू द अपर कास्ट, लेकिन जो मेरा हेडमास्टर था वो अपर कास्ट का था। ड्यू टू द प्रॉपरली इग्नोर, वो मुझे लगातार इग्नोर करता था एंड डिस्करेज मी बाय द रेफरिंग टू माई कास्ट ओपनली इन द कास्ट। और वो क्लास लगातार वो मुझे क्लास में ह्यूमिलेट करता था। ह्यूमिलेट करने का मतलब है मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन करता था। क्यों? क्योंकि मैं अदर बैकवर्ड क्लास था या फिर दूसरी कास्ट का था, और मेरा जो हेडमास्टर था वो अपर कास्ट का था। तो ये हमारा हो जाता है एग्जाम्पल ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ड्यूरिंग माई स्कूलिंग, जब मेरा स्कूलिंग का टाइम था, जब मैं स्कूल में पढ़ रहा था, आई डिड नॉट लाइक टू डिस्क्लोज माई कास्ट, मैंने अपनी कास्ट को डिस्क्लोज नहीं किया। क्यों नहीं किया? आई फाउंड दैट द पीपल एटीट्यूड सडनली चेंज्ड एंड दिस लेड द टेंशन इन आवर लाइफ। जब मैंने अपनी कास्ट को डिस्क्लोज किया, तो डिस्क्लोज करने के बाद पीपल्स का जो एटीट्यूड था, जो मेरे लिए पहले अच्छा था, उसके बाद मेरे लिए एटीट्यूड क्या हो गया, खराब हो गया। अब हमारा आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है, ये हम पढ़ रहे थे अभी कि एग्जाम्पल ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन किस तरीके से हमारी सोसाइटी में छोटे लेवल पे और जो बड़े बिग लेवल पे जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है। अब हमारा आ जाता है द डिस्क्रिमिनेशन में लेड टू, इट मींस जो डिस्क्रिमिनेशन होता है
उसके क्या बैड इम्पैक्ट होते हैं हमारी सोसाइटी में। सबसे पहला है डिप्राइवेशन, हमें अलग समझा जाता है, ह्यूमिलिटी, हमें ह्यूमिलेट किया जाता है, हमें अलग से समझा जाता है। फिर हमारा जाता है लैक ऑफ एस्केपिज्म। एस्केपिज्म का मतलब होता है हमें सोसाइटी से पूरी तरह से बाहर कर दिया जाता है। अब है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, हमारे में कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है। और क्राइसिस एंड द कॉन्फ्लिक्ट, हमारे क्राइसिस हो जाते हैं दूसरे कास्ट के साथ में, क्योंकि जब हमें ऐसा लगता है कि हमें इन्फीरियर समझा जा रहा है तो हमारे क्लैशेस होने लग जाते हैं हमारी सुपीरियर कास्ट से। फिर है मेंटल ब्लॉक, हम पूरी तरह से क्या हो जाते हैं, हमारा मेंटल होता है, हमारा माइंड होता है वो पूरी तरह से रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। फिर हमारा आ जाता है लो सेल्फ स्टीम, हम बहुत ही अपने आप को नीचा समझने लगते हैं, पुअर परफॉर्मेंस, और इसी बेस पे हमारी गलत परफॉर्मेंस हो जाती है। कई बार हम सोसाइटी से जब डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं तो हम बहुत ज़्यादा एंगर भी हो जाते हैं। ये है हमारे साथ जब कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है। अब हमारा आ जाता है प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन। प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है कि जब द सिस्टम ऑफ प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन ग्रांट्स स्पेशल प्रिविलेजेस टू द सोशली एंड द इकोनॉमिकली बैकवर्ड पीपल ऑफ द क्लास एंड शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब। सबसे फर्स्ट पॉइंट है प्रिविलेजेस, मतलब क्या होता है, प्रिविलेजेस मतलब होता है स्पेशल राइट्स। हमारी सोसाइटी में जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू अदर बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल कास्ट और जो भी जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं उन्हें जब रिजर्वेशन दिया जाता है तो इस तरीके से उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उस डिस्क्रिमिनेशन को प्रोटेक्ट कर दिया जाता है, इट मीन्स वहीं रोक दिया जाता है, तो इसे हम कहते हैं प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है, अब यहाँ से हम स्टडी करते हैं फॉर्म्स ऑफ अनटचेबिलिटी कि क्या क्या फॉर्म्स होती हैं अनटचेबिलिटी। सबसे पहले हमारा आ जाता है पीस आर पी साईनाथ, सबसे पहले आ जाता है हमारा पी साईनाथ, एन इंडियन जर्नलिस्ट रॉट ए न्यूज़ रिपोर्ट्स। उन्होंने, पी साईनाथ ने एक न्यूज़ रिपोर्ट लिखी, उसमें जो अनटचेबिलिटी थी उसको डिस्क्राइब किया था। पी साईनाथ ने अलग अलग फॉर्म्स की अनटचेबिलिटी को डिस्क्राइब किया था। सबसे पहले जैसे हम स्टॉल्स में वो कप्स व कैप्ट सेपरेटली फ्रॉम द अदर, जो अदर बैकवर्ड क्लासेस होते हैं, जो नॉर्मली जो सोसाइटी से अलग होते हैं उनकी स्टॉल्स अलग होती है, कप्स वगैरह। आजकल तो ऐसा नहीं होता, आजकल तो सभी के साथ इक्वल बिहेव किया जाता है, लेकिन पहले शायद ऐसा होता था। फिर हमारा आ जाता है नेक्स्ट रिफ्यूज़ टू सर्व दलित क्लाइंट्स, और दलित क्लाइंट्स होते हैं उनके जो डिमांड्स होती है उनको रिफ्यूज्ड कर दिया जाता है। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है, इसी में ही आ जाता है कि दलित ग्रूम्स वर नॉट अलाउड टू राइड ए हॉर्स इन द वेडिंग प्रोसेशन। जब दलित की शादी होती है तो दलित ग्रूम्स, ब्राइड इट मीन दुल्हन, ग्रूम्स मतलब होता है दूल्हा, तो दलित जो ग्रूम्स होता है उसे हॉर्स पे बैठने की परमिशन नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो दलित है। इस बेस पे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कि गवर्नमेंट क्या क्या ऐसे मेजर्स अडॉप्ट कर रही है जिससे एक प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन को एस्टैब्लिश किया जा सके, जिस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन को रोका जा सके। सबसे फर्स्ट हमारा पॉइंट है रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स। गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन दिया गया 15% ऑफ द शेड्यूल कास्ट, 7.5% फॉर द शेड्यूल ट्राइब्स एंड 27% फॉर द अदर बैकवर्ड क्लास OBC। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन द लोकसभा। लोकसभा में भी रिजर्वेशन सीट्स दी गई है, और अलग जो रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज होती हैं जैसे राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, इनमें भी रिजर्वेशन दिया गया है। रिजर्वेशन का मतलब होता है अलग से कुछ कास्ट के लिए सीट्स को अलग रख देना, प्रोटेक्ट कर देना। फिर हमारा आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट प्रोविजन ऑफ ग्रांट्स एंड द स्कॉलरशिप टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द इंडियन सोसाइटी। कई बार क्या होता है, इंडियन सोसाइटी में जो स्पेशली जो वीकर सेक्शन होते हैं उसमें कई पर्सन बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, इंटेलिजेंट होने के बाद भी उन्हें उन्हीं कास्ट के अकॉर्डिंग उन्हें आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जाता, चांस नहीं दिया जाता। क्यों? क्योंकि वो वीकर सेक्शन है, इसलिए उन्हें उनकी पढ़ाई के बेस पे, उनकी कैपेबिलिटी के बेस पे स्कॉलरशिप दी जाती है और बहुत सारे ग्रांट्स दिए जाते हैं। फिर है लॉन्चिंग ऑफ द वोकेशनल ट्रेनिंग इन द ट्राइबल एरिया। ट्राइबल एरियाज़ में वोकेशनल ट्रेनिंग, इट मीन जो टेक्निकल ट्रेनिंग है उन्हें प्रोवाइड कराया जाता है।
ये है गवर्नमेंट जो मेजर्स कर रही है, अडॉप्ट मेजर्स कर रही है उस बेस पे ये है। अब हमारा स्टूडेंट ये जो लेसन सेकंड है, सिविक्स का लेसन सेकंड है, इसे हम यहीं स्टॉप कर देते हैं। हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में लेसन सेकंड का ही, सिविक्स का क्लास सेवन्थ का रेस्ट पार्ट स्टडी करेंगे।